कक्षा 5 बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित हमारा प्रवेश पाठ 16 बीज ही बीज। अपने आसपास पेड़ पौधों पर लगे आम, अमरूद, बेर, टमाटर, पपीता, मटर, इमली आदि फलों व सब्जियों को देखो। इनमें बीज होते हैं। क्या सभी फलों में समान संख्या में बीज हैं? कुछ फल जैसे कि आम, बेर, जामुन में एक बीज होता, जबकि इमली, पपीता, अमरूद, टमाटर आदि में अनेक बीज होते। अनेक बीज वाले फल जैसे कि बैंगन, टमाटर, उसी तरह अमरूद, और वहीं एक बीज वाले कि जैसे कि आम, जामुन, तो आप ये लिख सकते हैं। चर्चा करिए कि कुछ फल एक बीज वाले और कुछ अनेक बीज वाले होते हैं। इन्हीं बीजों के दानों को वो कुछ पुनः इनकी फसल पैदा की जाती है। धान, मक्का, गेहूँ, चना आदि की फसल पैदा करने के लिए उनके दाने मिट्टी में बोए जाते हैं। अनाज के वे दाने जिनका प्रयोग अगली फसल उगाने के लिए किया जाता है, बीज कहलाते। बीज का भंडारण उचित ढंग से करना चाहिए, नहीं तो ये खराब भी हो सकते। क्या आप जानते हैं कि बीज कैसे खराब हो जाते? आइए देखें और समझें। चूहे, घुन, अन्य कीट बीजों को खराब कर देते हैं। जब किसान इन बीजों को खेत में बोता है तो जो बीज अच्छे लगते हैं वे अंकुरित हो जाते हैं, और जो खराब होते हैं वे अंकुरित नहीं होते। अच्छे और खराब बीज की पहचान कैसे करते, सोचिए और बताइए। खराब बीजों की पहचान कैसे करेंगे, आओ करें और समझें। आधा गिलास पानी लें, इसमें कुछ सेम के बीज डालें। क्या देखते हैं? खराब बीज ऊपर तैरते रहेंगे, अच्छे बीज तली में बैठ जाएंगे। दो कटोरियां लें, दोनों कटोरियों में पानी से भींगी हुई रुई रखें। पहली कटोरी में सेम के ये बीज रखें जो गिलास के पानी में तैर रहे हैं। दूसरी कटोरी में सेम के वे बीज रखें जो पानी में नीचे डूबे हुए हैं। दो दिन बाद दोनों कटोरियों के बीजों को देखो। क्या आप देखते हैं? आप देखा कि गिलास के पानी के कुछ बीज ऊपर तैर रहे हैं, ये खराब बीज हैं। कुछ बीज पानी में डूब गए, ये अच्छे भी परिपक्व बीज, यही बीज ही अंकुरित होते हैं। हमारे देश में अच्छे व परिपक्व बीज पैदा करने की दिशा में काफ़ी प्रगति हुई। पानी में डालने पर जो बीज ऊपर आ जाते वे खराब बीज होते। खराब बीज अंकुरित नहीं होते, अच्छे और परिपक्व बीज ही अंकुरित होते। कुछ बीज नष्ट भी हो जाते हैं। बीजों की संरचना कैसी होती है? चलिए बीजों की बाहर और अंदर से देखें, उसको जांचें परखें। भीगे हुए चने या सेम का बीज लें, इनके बाहरी आवरण बीज चोल सीड चोल को सावधानी से हटाएं। क्या देखते हैं? दो हल्के पीले रंग की संरचनाएं दिखाई पड़ती हैं, इन्हें बीज पत्र कहते हैं। इन्हें भी खोलें। देखिए ये बीज चोल जो ऊपर का कवर, उसके बाद जब इनको हम खोलते हैं तो ये दो ये बीज पत्र कहलाते हैं, इनको भी खोलें। दोनों बीज पत्रों को खोलने पर जो संरचनाएं दिखाई देती हैं उसे भूड कहते हैं, यानी कि एम्ब्रो। इसका निचला सफ़ेद भाग मूलांकर तथा ऊपरी नुकीला भाग प्रांकुर कहलाता है, यानी कि निचला सफ़ेद भाग मूलांकुर तथा ऊपरी नुकीला भाग प्रांकुर कहलाता है। मूलांकुर से जड़ तथा प्रांकुर से तना बनता है, यानी कि रेडिकल। अंकुरित बीज के ये भाग बीज पत्रों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, यानी अंकुरित बीज का ये भाग बीज पत्रों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। आपने अपने घरों में धान, गेहूं, रोम, चना, सेम, चना, मटर आदि के बीज को देखा? क्या आपने इसमें कभी अंकुरण होते हुए देखा? इनमें अंकुरण कब और कैसे होता? बीजों के अंकुरण के लिए आवश्यक परिस्थितियां। एक बीकर या गिलास में 2/3 यानी कि 2 भाग उबाल कर ठंडा किया हुआ पानी लें, जिसमें पानी में घुली वायु निकल जाए। यानी कि अगर उस पानी के 3 हिस्से किए जाएं तो उसमें 2 हिस्सा भाग उबालकर ठंडा किया हुआ पानी लें। सेम के 3 अच्छे बीजों को चित्र की भांति किसी लकड़ी या प्लास्टिक की पट्टी पर धागे से बांध लें। इस तरह पानी की सतह पर तेल की कुछ बूंदें डालें। पानी की सतह पर तेल डालने पर पानी का बाष्पन नहीं होगा और बाहर की वायु पानी में घुल नहीं पाएगी। एक अच्छी विधि है। प्रतिदिन इसका निरीक्षण करते हुए बीज में हो रहे बदलाव को देखिए। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन और चौथे दिन, सोचिए और बताइए। पट्टी में सबसे नीचे बंधा बीज अंकुरित होता हुआ? यदि हाँ तो क्यों, यदि नहीं तो क्यों? पट्टी में सबसे ऊपर बंधा बीज अंकुरित हुआ? यदि हाँ तो क्यों, यदि नहीं तो क्यों? पट्टी के बीच में बंधा बीज अंकुरित होता है, यदि हाँ तो क्यों, यदि नहीं तो क्यों? बीच वाला बीज ही अंकुरित क्यों हुआ? बीच वाले बीज को हवा, पानी और उचित ताप तीनों प्राप्त हुए, इसलिए वह अंकुरित हुआ। सबसे नीचे वाले बीज को पानी तो मिला परंतु हवा व उचित ताप नहीं मिला, यह अंकुरित नहीं हुआ। पानी में लगातार रहने के कारण वह खराब भी हो गया। सबसे ऊपर वाले बीज को हवा व उचित ताप तो मिला परंतु पानी नहीं मिला, सो यह अंकुरित नहीं हुआ। ये देखिए चित्र है, मूलांकुर और ये जो ऊपर का हिस्सा, ये प्रांकुर, बीज का अंकुरण, और इस तरह पौधा बनता है। इन चित्रों को भी बनाएं और हम चैनल के माध्यम से आपको चित्र बनाना सिखाएंगे।
अच्छा चित्र बनाना बहुत आवश्यक है। अगर आप एक अच्छे विद्यार्थी हैं तो आपको अच्छी ड्राइंग भी आनी चाहिए। आप चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी अध्ययन सामग्री, पठन पाठन सामग्री सब कुछ मिलता रहेगा। बीज से नन्हे पौधे, नवोद्भिद का बनना ही बीज का अंकुरण, जर्मिनेशन कहलाता है। प्रश्न अगर पूछा जाए कि जर्मिनेशन अंकुरण क्या है, तो बीज से नन्हे पौधे का बनना ही अंकुरण कहलाता है। बीजों के अंकुरण के लिए हवा, पानी तथा उचित ताप आवश्यक है। भिन्न भिन्न पौधों को उगाने के लिए भिन्न भिन्न परिस्थितियों तथा जलवायु की आवश्यकता होती है। आइए करके देखें। चने के कुछ दाने और 3 कटोरियां दें। पहले कटोरी में चने के 4-5 दाने डालें और कटोरी को पानी से भरें। दूसरी कटोरी में उतने ही चने भींगी हुई रुई या कपड़े में लपेट कर रखें। ध्यान रखें कपड़ा या रुई सूखने ना पाए। तीसरी कटोरी में केवल चने ही रखें। 3 दिन बाद देखें, लिखें तीनों कटोरियों के चने में क्या बदलाव हुआ। क्या बीजों को उचित मात्रा में हवा मिल रही? नहीं। कटोरी 2 हाँ, कटोरी 3 हाँ। क्या बीजों को पानी मिल रहा? तो इस तरह आपको लिखना है कि तीनों में बीजों में क्या बदलाव हुआ, क्या बीजों में अंकुरण हुआ। तो देखिए, जिसमें पानी भरा हुआ उसमें भी अंकुरित नहीं होंगे, और जो बिल्कुल सूखी कटोरी में वो भी अंकुरित नहीं होंगे, लेकिन जो भींगी हुई रुई में लपटे हुए, वहाँ जल भी है, हवा भी है, तो वही बीज अंकुरित होंगे। सोचिए और बताइए किस कटोरी के बीज में अंकुरण हुआ और क्यों। अन्य कटोरियों के बीज अंकुरित क्यों नहीं हुए? भींगे कपड़े या गीली रुई में लपेटे गए चने जल्दी अंकुरित क्यों हो गए? अपने अंकुरित बीज को ध्यान से देखिए, अपनी कॉपी पर इसका चित्र बनाइए। और प्यारे बच्चों, बीच में वीडियो को रोकना चाहूँगा। हमें अंकुरित अनाज, चने, दालें ये खाने चाहिए। ये हमारे लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभप्रद होते हैं। ये चित्र पलक ने बनाया अपने अंकुरित बीजों का। आपको क्या लगता है, इस बीज को अंकुरित होने से किन किन चीज़ों की ज़रूरत हुई होगी? अपने शब्दों में लिखें। आप भी इस तरह ड्राइंग बना सकते हैं। साबुत चने को दलने में दाल बनी हूँ, क्या आप मुझे अंकुरित कर सकते? यदि हाँ तो कैसे, यदि नहीं तो क्यों? साबुत चने को दलने से मैं दाल बनी, दलने के बाद फिर उसको अंकुरित नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसका बीज चोल समाप्त हो जाता, जिससे कि वह अपना भोजन प्राप्त करता है। चलिए, ये था आपका पाठ। इसको आप एक बार फिर से पढ़ें और इसके मुख्य बिंदुओं को अपनी कापी पर नोट करें। चलिए इसके अभ्यास प्रश्न देखते हैं। बीज के अंदर ऐसा क्या होता है जिससे पौधा बनता है? तो बीज के जो भाग हैं उनका हमें एक बार फिर से अध्ययन करना होगा। नन्हे पौधों को बढ़ने के लिए किन किन परिस्थितियों की ज़रूरत होती है? तो हवा, पानी, यही सब चीज़ें। हजे अच्छे और ख़राब बीज की पहचान कैसे होती है? आप पानी में डाल दीजिए, खराब बीज पानी में उतर जाएंगे, ऊपर तैरते हुए नजर आएंगे। आप इस पाठ को दोबारा पढ़ें, इन प्रश्नों के उत्तर लिखें, अपने शिक्षक से जाँच जरूर कराएं। भींगे चने को भींगे कपड़े में बांधने पर उसका अंकुरण तेज होता, ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ उसको नमी भी मिलती है, बांधने से उसको ताप भी मिलता है। प्रश्नों के 4 विकल्प दिए, सही विकल्प पर सामने व्रत को काला कीजिए। बीजों के अंकुरण के लिए आवश्यक है, ये इस प्रकार के प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता। बच्चों, जो भी उत्तर सही होता उसी को काला करना होता। जैसे कि बीजों के अंकुरण के लिए आवश्यक है वायु, जल और खाद, सूर्य का प्रकाश, वायु और उचित ताप, वायु जल और उचित ताप, वायु जल और अधिक ताप। इसका सही उत्तर है वायु जल और उचित ताप। जो बीज पानी में डालने पर ऊपर आ जाते वे परिपक्व बीज कहलाते, खराब बीज कहलाते। अच्छे बीज होते भूड़ होते तो वो खराब बीज होते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। बीज के बाहरी आवरण को बीज चोल कहते हैं। बीज पत्रों को खोलने पर जो संरचना दिखाई देती है उसे, यानी कि उसे भूड़ कहते हैं। भूड़ का निचला भाग मूलांकुर और ऊपरी भाग प्रांकुर कहलाता है। मूलांकुर से तना, यानी कि पौधे का भाग, और प्रांकुर से, मूलांकुर से जड़ और प्रांकुर से तना बनता है। खंडका के अधूरे भाग को खंडका की सहायता से पूरा कीजिए। बीज से नन्हे पौधे का जन्म होता है। बीज से नन्हे पौधे का बनना बीज का अंकुरण कहलाता है। अनुकूल परिस्थिति पाकर बीज अंकुरित होते हैं। चूहे, घुन, अन्य कीट बीजों को नष्ट कर देते। किसी बर्तन में खेत की मिट्टी लेकर उसमें चने या सेम के बीज बोएं, उससे प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा पानी डालें। अंकुरित पौधे में होने वाली वृद्धि को अपनी कापी में लिखें और चित्र भी बनाएं। तो ये था आपका पाठ 16। चलिए मिलते हैं अगले पाठ के साथ। आपका अध्ययन अनवरत जारी रहे। आप चैनल से जुड़ जाएं। इस चैनल से जुड़ने के बाद आपको पठन पाठन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप चाहें तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप 9984381393 पर जुड़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले पाठ के साथ। आप सभी को बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत नमस्कार।